नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक गांव में हैं, दीदी के साथ में बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं कि कहाँ है हम लोग और कौन सा गांव है। दीदी क्या नाम लिखते हैं आपका? मैं लिखती हूँ अरुणा पारस। अरुणा पारस सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र पानी। अच्छा मैडम जी, आपका क्या नाम है? सावित्री पानी। ओके सर, प्रेजेंट टाइम में क्या काम करते हैं? मैं LIC एजेंट। ओके मैडम जी, आप क्या करते हैं? मैं पेशे से ANM। ओके मैडम जी, आप क्या है? पटवारी। तो आज हम लोग किस गांव में है मैडम जी, कौन सा गांव है? ये रुंगटा कॉलोनी है। रुंगटा कॉलोनी, जिला शहडोल। जिला शहडोल, बुढ़ार। जी हाँ। ओके तो मैडम जी, आज से पहले, आज से एक हफ्ता पहले हम जब आपके यहाँ पे आए थे तो बहुत सारी समस्याएं आपके पास में थी। जब हमने कुछ औषधियाँ चालू की थी तो उस समय की औषधियों में देने के बाद से हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन था उस समय, क्या क्या था। सबसे पहली चीज, आपके पूरे शरीर में दर्द रहा करता था। जी हाँ। पूरे बॉडी में पेन। जी हाँ। दूसरी चीज, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे। बहुत ज्यादा, इवन मुझे कटवाने पड़े। कटवाने यहाँ मैं बीच से मांग नहीं निकल सकती, मैं सिंदूर नहीं डाल सकती, सॉफ्ट नहीं कर सकती। हाँ। और मैं ये बाल को पलटे हुए। स्किन की डिजीज थी आपको? स्किन में प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। उसके अलावा आपको खाना खाने के साथ में ही आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था। बिल्कुल, हाथ धोते से मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। तो आज हम लोग देखते हैं एक हफ्ते बाद क्या क्या रिजल्ट आया है। मैडम जी एक एक करके जानते हैं कि इनमें क्या क्या रिजल्ट है। क्या आज आपके शरीर में, जैसे पहले आप ANM थी, फिर से आती थी तो आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ करता था बॉडी में, जैसा सर बताया करते थे, क्या अब वो पेन होता है आपको? नहीं। अब थकान लगता है आपको? थकान हल्की लगती है। पर वो दर्द रहता है कैसे? नहीं, वैसे दर्द नहीं रहा। अब दर्द में आराम होने लगा है। कितना, 50% आराम मान सकते हैं या उससे ज्यादा? 50% मैडम जी, बालों की जो समस्या थी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप प्लीज। सबसे पहले सबसे अच्छा रिजल्ट बालों का ही है। जी बताएं क्या क्या था। बालों का रिजल्ट ये है, जैसे मैं बाल भी कटवा ली। हाँ। तो कटवाने के बाद जैसे मैं कंघी फेरती थी तो उलझते थे। अच्छा। उलझते थे तो जाहिर सी बात है, कंघी में बाल आएंगे, सुलझेंगे तो। हाँ। तो भर भर के बाल आते थे। और 9-10 दिन के डोज से कंघी में मेरे बाल ही नहीं आ रहे, जबकि आप ऑयल लिखा था, शैम्पू लिखा था, तो वो ऑयल और शैम्पू मैं खोली भी नहीं थी। अच्छा। केवल मैं ये रस पी, जो मैंने रस दिया था औषधि, उससे आपके हार्मोन्स डेवलप हुए और आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगी। जी जी। और क्या क्या ठीक हुआ? पहला तो यही है बालों का। ओके। कंघी में एक भी बाल नहीं आ रहा है। अच्छा। दूसरा जो स्किन डिसीज थी। हाँ। तो इसमें मैं ऑइंटमेंट लगाती थी। अच्छा। जब तक नमी रहती थी तब तक तो मेरी स्किन ठीक रहती थी, और जैसे ही नमी जाती थी तो ये इतना खुजलाता था कि मुझे फिर से ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत रहती थी, और ये स्किन से अलग रहता था। अच्छा। अब जब मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ तो ये 50% दब गया है, अब मुझे अलग से ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मात्र एक हफ्ते की दवा से आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल। ओके, और क्या प्रॉब्लम खत्म हुई है मैडम जी? दूसरी चीज तो स्किन डिसीज मैंने बताया। हाँ। तीसरी चीज मुझे थायराइड था। हाँ। थायराइड की वजह से जैसे ही मैं खाना खाती थी पहले ही कॉल में मैं अटक जाती थी। और पानी हिचकी आती थी। जी हिचकी आती थी, अटक जाती थी, चाहे पार्टी वेयर हो, कहीं भी हो, घर पे हो, तो अब वो चीज से मुझे निजात मिली। अच्छा, मतलब अब आपको हिचकी नहीं आती पहले बार खाने? हाँ, मैं पूरा खाना भी खा डालूंगी, बाय चांस आई तो आई। अच्छा। नहीं तो नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। और क्या ठीक हुआ? तीसरी चीज ये था मेरे साथ कि जैसे ही मैं खाना खाती थी, जैसे अपन सुबह मैं थायराइड की गोली लेती थी और पानी पीती थी गर्म, तो मैं फ्रेश होने जाती थी। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। इसके बाद जब मैं नाश्ता करती थी या खाना खाती थी, कुछ भी खाती थी, तो मुझे हाथ धोने के बाद तुरंत से टॉयलेट जाना ही जाना है, या तो सुबह हो या शाम। मतलब जब भी आप खाना खाती थी, जब भी मैं खाना खाती थी तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, तो वो चीजें अब नहीं हो रही। अच्छा, अब टॉयलेट नहीं जाना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, अब जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं बस वैसे ही जाते। क्या बात है जी। और क्या परिवर्तन आया मैडम जी? और अच्छा महसूस करते। पहले जो बहुत जल्दी थक जाते थे आप या वीकनेस रहती थी, तो अब उसमें परिवर्तन आया है? आया। सर आप भी साथ में कुछ औषधियां ले रहे हैं, आप अपने बारे में बताएं सर कि क्या क्या रिजल्ट आपको समझ में आ रहे हैं? मेरे को तो अभी एक ही चीज है कि अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। थकान वगैरह में जो, मतलब जो थकान होती थी अब वो थकान होती है क्या? नहीं है सर, अब थकान नहीं होती, फ्रेश महसूस करते हैं।
बहुत बढ़िया। आप अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पहले वीकनेस मजबूत होती थी, महसूस होता था, कमजोरी महसूस होती थी, थकान महसूस रहती थी, अब वो थकान नहीं हो रही है, मतलब आपको लगता ही नहीं कि मैं थका हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब अब आपके अंदर के शरीर सेल्स डेवलप हो रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे थकान नहीं होती। तो देख रहे हैं कि हम मात्र एक हफ्ता हुआ है अभी दवा लेते हुए, तो एक हफ्ते का इतना बड़ा रिजल्ट है। मैडम जी, शुगर भी आपका था और शुगर की भी औषधियाँ चल रही हैं। शुगर में आपको क्या कंट्रोल लगता है कि अभी हुआ है? अभी शुगर का इसलिए पता नहीं क्योंकि मैं शुगर टेस्ट नहीं की। ओके, मगर प्याज जो लगती थी उसमें अभी कंट्रोल हुआ है? जी हाँ। तो दोस्तों 50% रिजल्ट एक हफ्ते का है। तो अब ये कंटिन्यू, मैडम जी क्या लगता है अगर ये दवाई कंटिन्यू 3 से 6 महीना चलाएं तो आप 100% ठीक हो पाएंगे? मुझे तो बिलीव हो गया है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त तरीके से बता रही मैडम जी कि पूरी तरह से बिलीव हुआ। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है एक हफ्ते के अंदर में। और औषधियों से ज्यादा जो मैडम जी ने परहेज किया जो इनके लिए असंभव था, परहेज के कारण इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कंट्रोल किया है परहेज में। और लोग ये छोटी सी बात को भूल जाते हैं कि औषधियों में अगर परहेज नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो मैडम जी ने परहेज किया उससे मिला। दूसरी चीज, इसकी जो डोज है, मात्रा, औषधियों के साथ में मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस मात्रा में हमने इनको औषधि दी उस मात्रा के कारण या इतनी अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर पाए हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने रुंटा काली का जबरदस्त रिजल्ट है, शुगर का, बीपी का, थायराइड का और सर के साथ में बहुत बड़ा कमजोरी का रिजल्ट है। दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।